धन्यवाद साथियों। इसरो और भारत सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण महाक्विज का आयोजन किया जा रहा है, चंद्रयान 3 महाक्विज। इसमें किस तरीके से आप भाग ले सकते हैं और कौन कौन से प्राइज जीत सकते हैं, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये जो इसरो की जो साइट है, isroquiz.mygov.in, इस साइट पे आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। यानी अभी तक जैसे 6,07,039 जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने भाग लिया है। क्विज के संबंध में क्या निर्देश है और टर्म्स और कंडीशन क्या होगी, किन किन स्टूडेंट या जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको क्या क्या इनाम दिया जाएगा, उसके संबंध में विस्तार से जानकारी है वो इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो जो भी क्विज होगी उसमें 10 प्रश्न होंगे और 300 सेकेंड में इनका है वो जवाब देना पड़ेगा, और कैश प्राइज है वो दिए जाएंगे। और ये 1 सितंबर 2023 से शुरू हो चुका है जो क्विज है। अब इसमें किस तरीके से कौन कौन भाग ले सकते हैं, क्विज के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो इस क्विज के बारे में है कि भारत अब चांद पे है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो टीम और 140 करोड़ देशवासियों को बधाई संदेश देते हुए कहा था। इसके अलावा 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग का महत्वपूर्ण क्षण है वो दुनिया ने देखा है, और दक्षिण ध्रुव, चंद्रमा का जो दक्षिण ध्रुव है उसके इतने करीब पहुंचने वाला वो पहला देश भारत बन गया है। और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो उसकी टीम के लिए असाधारण समर्पण और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट है। अब जो नियम शर्तें मैं आपको बता दूं, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या पुरस्कार मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो टॉप जो परफॉर्मर है उसको 1 लाख रुपये का 1 लाख रुपये का पुरस्कार, नकद पुरस्कार दिया जाएगा। यानी प्रथम विजेता जो भी प्रतिभागी होगा उसको 1 लाख रुपये नकद दिया जाएगा। उसके बाद द्वितीय जो विजेता होगा उसको 75,000 रुपये की नकद राशि से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद तृतीय विजेता है प्रतिभागी, उसको 50,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद में अगले जो 100 श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे, कंटेस्टेंट होंगे, उनको प्रत्येक को 2,000 रुपये सांत्वना पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। और उसके बाद अगले 200 जो श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो भी प्रतिभागी होंगे उनको प्रत्येक को 1,000 रुपये सांत्वना पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। तो इस तरीके से 1 लाख से लेकर के 1,000 रुपये तक इनाम है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इनाम। अब नियम और शर्तें कौन है, क्या होगी, कौन कौन भाग ले सकता है, कितना टाइम पीरियड हो, क्या होगा। तो जैसे द क्विज इज ओपन फॉर ऑल इंडियन सिटीजन, यानी कोई भी भारतीय नागरिक है वो क्विज में भाग ले सकता है। दूसरा है कि क्विज विल स्टार्ट एज सुन एज द पार्टिसिपेंट क्लिक ऑन द सबमिट बटन आफ्टर एंटरिंग द करेक्ट ओटीपी। यानी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ओटीपी आपको आने के बाद तुरंत है वो क्विज का टाइम शुरू हो जाएगा। और इसमें फिक्स टाइम है और समय है और 10 प्रश्न है। ये एक समयबद्ध क्विज है, यानी दिस इज ए टाइम टाइम बाउंड जो क्विज है। और 10 क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन 30 मतलब 300 सेकेंड, 300 सेकेंड में आपको 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कोई नकारात्मक मार्किंग नहीं होगी, यानी आपका कोई भी अंक काटा नहीं जाएगा, आपको 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है कि पार्टिसिपेंट्स नीड टू इंश्योर टू प्रोवाइड ऑल द वैलिड एंड करेक्ट डिटेल्स इन द प्रोफाइल पेज। यानी जो प्रोफाइल पेज है जिसमें आप एक तरह से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें आपको सही जानकारी ही देनी है और उसी के आधार पर आपको ये करना है। दूसरा इसमें लिखा होगा कि प्रतिभा को सुनिश्चित करना होगा कि आगे के संचार के लिए उनकी माई गव जो जो प्रोफाइल है वो अपडेट की गई। यानी जो भी आप रजिस्ट्रेशन करें या प्रोफाइल करें मैं आपको बता दूंगा आपको क्या क्या चीज़ें प्रोफाइल में आपको एंटर करनी है वो पूरी भरें, और अगर अधूरी प्रोफाइल है तो आप विजेता के रूप में भाग नहीं ले पाएंगे, यानी आपको इनाम नहीं मिलेगा। अगला जो है कि प्रश्नों को स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से प्रश्न बैंक से यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा। यानी कि क्वेश्चन विल बी रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक थ्रू द एन ऑटोमेटेड प्रोसेस। यानी प्रश्नों का जो भी पूरा भंडार होगा उसमें से आपको रैंडमली, यानी कोई भी प्रश्न, आपके 10 प्रश्न है आपके सामने आ सकते हैं, तो हर जो भी पार्टिसिपेंट होगा उसके प्रश्न अलग होंगे क्योंकि पूरा प्रश्न बैंक बना हुआ है, उसमें से ही रैंडमली आपके 10 प्रश्न आएंगे और आपको 300 सेकेंड में जो है वो पूरा करना है और सबमिट करना है। इसके अलावा है कि इसमें जैसे इसमें लिखा हुआ कि द पार्टिसिपेंट फ्रॉम इंडिया कैन प्ले यूजिंग ए वैलिड इंडियन मोबाइल नंबर एज वन वन टाइम पासवर्ड ओटीपी विल बी वुड बी सेंड टू वैलिडेट द मोबाइल नंबर बिफोर स्टार्टिंग टू क्विज। यानी आपको सिर्फ एक मोबाइल नंबर से एक बार ही ओटीपी आपको आएगा और उसी ओटीपी से आपको इसमें भाग लेना है। इसके अलावा उपयोग अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ता वन टाइम ओटीपी के रूप में एक वैध ईमेल का उपयोग कर सकते हैं। यानी जो भारतीय है उनको तो एक अपना मोबाइल नंबर देना है, और जो विदेशी अगर कोई भाग लेना चाहे, अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ता अगर कोई भाग लेना चाहे
तो उनके ईमेल पे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, उस ईमेल से वैलिडिटी ढूंढने के बाद में आपको भाग लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि क्विज में भाग लेने के लिए एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से एक से अधिक बार प्रयोग नहीं किया जा सकेगा, यानी आपको एक ही बार एक मोबाइल नंबर को काम में लेना है या ईमेल आईडी को काम में लेना है। और डुप्लीकेट प्रविष्टि के मामले में पहले प्रयास का रिकॉर्ड है मूल्यांकन के लिए जाएगा, यानी आप उसी एंट्री से अगर दोबारा कोशिश करते हैं तो आपने जो पहली बार कोशिश की होगी वही काम आएगा। तो आप जो भी जब भी भाग लें आप सोच समझ के भाग लें। तो इसमें जो इनाम की बात है तो श्रेष्ठ जो भी पुरस्कार विजेता यानी पहला पुरस्कार होगा वो 1 लाख रुपए नकद होगा, उसके बाद में 75,000 होगा, फिर तृतीय विजेता है उसको 50,000, इसके अलावा अगले 100 जो भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हैं उनको 2,000 रुपये के सांत्वना पुरस्कार, और अगले 200 जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको 1,000 रुपये का सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। और इसमें इसरो या जो माई जीओवी के पास में किसी भी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में क्विज को संशोधित करने या बंद करने के अधिकार होंगे, और इसमें संदेह से बचने के लिए नियमों और शर्तों आदि को बदलने की क्षमता शामिल है। यानी अगर कुछ भी कंडीशन होगी तो इसरो और माई जीओवी है ये क्विज को बंद भी कर सकते हैं या सर्वाधिकार है इनके पास रहेंगे। और अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि किसी प्रतिभागी की भागीदारी या उससे जुड़ना क्विज के लिए हानिकारक है तो इसरो या माई जीओवी है ये इस किसी भी प्रतिभागी की भागीदारी को अयोग्य घोषित कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं, और अगर जानकारी अस्पष्ट है, अधूरी है, झूठी है, क्षतिग्रस्त है तो भी आपकी भागीदारी है वो मान्य नहीं होगी। और क्विज की मेजबानी से संबंधित जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुड़े इसरो या माई जीओवी के कर्मचारी यानी इसमें कौन भाग नहीं ले पाएंगे, तो इसरो और माई जीओवी एम्प्लॉयज है और उनके जो भी एजेंसी के जो भी एम्प्लॉयज है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें भाग नहीं ले पाएंगे, और ये अपात्रता उनके निकटतम परिवार के सदस्यों पर भी लागू होगी। तो यानी सामान्य नागरिक भाग ले सकेंगे, इसरो से संबंधित जुड़े हुए या माई जीओवी से जुड़े हुए कार्मिक या उनके परिवारजन है वो भाग नहीं ले पाएंगे। और इसरो या माई जीओवी का जो भी डिसीजन है वो क्विज के बारे में फाइनल होगा और संबंध में किसी भी तरह की कोई भी पत्राचार वगैरह नहीं किया जाएगा, और जो भी शर्तें वगैरह है वो आपको पहले सहमत होना पड़ेगा तभी आप भाग ले पाएंगे। और प्रतिभागियों को अपडेट करने के लिए जो वेबसाइट पर नियमित रूप से जांच करनी होगी, जो भी अपडेट होगा आपको जांच मिल जाएगी। और सफल समापन के बाद में एक प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए उपयोगकर्ता के मोबाइल या ईमेल पर जैसा भी मामला हो, यानी अगर भारत में है तो मोबाइल पे और अगर विदेश में है तो ईमेल पे, आपके एक स्वचालित SMS आएगा यानी जो ऑटोमेटेड SMS होगा जो आपको 24 घंटे के भीतर भेज दिया जाएगा, और उसमें उस मोबाइल या ईमेल से आप है वो अपना सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यानी अगर आप एक बार भाग लेते हैं तो आपको जो भी प्रमाण पत्र है वो आपको जरूर मिलेगा। अब इसमें भाग लेने की जो प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी, तो यहाँ से आपको जिस ये क्विज है इसके ऊपर आना है, और यहाँ आने के बाद में आपको यहाँ लिखा हुआ है कि पार्टिसिपेट इन चंद्रयान 3 मा क्विज, यहाँ पार्टिसिपेंट नाउ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको अपनी जो भी डिटेल्स है वो दर्ज करनी है। यहाँ से जैसे आपको इंडिया डिफॉल्ट आ रहा है, अगर किसी दूसरे देश में है तो आपको यहाँ से अपना जो भी कंट्री है वो सिलेक्ट करना है। अब जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया, यहाँ आपको जो भी अपना नाम है वो एंटर करना है, आप हिंदी या इंग्लिश में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। अगर यहाँ से जैसे मान लो कोई विदेश होगा, अगर दूसरा जैसे अफगानिस्तान में या कोई भी सिलेक्ट करो, तो आपको यहाँ नाम के आगे यहाँ मोबाइल नंबर की जगह आपको ईमेल आईडी है वो एंटर करना है। अब जैसे इंडिया की बात करें, क्योंकि अपने यहाँ ज़्यादातर जो भी प्रतिभागी होंगे वो इंडिया के होंगे, तो यहाँ आपको नाम एंटर करना है, उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये सारे जो स्टार दिए हुए इसका मतलब अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसके अलावा यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है, जैसे यहाँ कैलेंडर से आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है यहाँ से आपको जैसे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आप कुछ भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। ईमेल आईडी ये अनिवार्य नहीं है क्योंकि यहाँ स्टार नहीं है, क्योंकि मोबाइल नंबर मैंडेटरी है इंडिया के लिए, आउट ऑफ इंडिया के लिए मोबाइल नंबर वैलिड नहीं है, वहाँ ईमेल आईडी काम आएगी। और इसमें आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या अदर्स में। फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि किस स्टेट से आप यहाँ से भाग लेना चाहते हैं, तो आपको जैसे मैं राजस्थान यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कोई भी स्टेट आप इंडिया का यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ एंटर करना है मैनुअली, आपको डिस्ट्रिक्ट एंटर करने के बाद में यहाँ एग्री वाले पे जो भी चेकबॉक्स है इस पर आपको डिफॉल्ट राइट क्लिक है, ये क्लिक करने के बाद में आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल में OTP आएगा और OTP दर्ज करते ही आपका जो टाइम है वो शुरू हो जाएगा, और 300 सेकेंड के अंदर आपको 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और उनको उत्तर देने के बाद में आपको सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद में कुछ समय के बाद में आपके जो भी ईमेल में या मोबाइल में मैसेज आ जाएगा जिसमें आप अपना जो भी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इसमें सफल होते हैं तो आपको जो भी नियमानुसार पुरस्कार है वो आपको दे दिया जाएगा, उसके संबंध में अलग से आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी चंद्रयान 3 मा क्विज के संबंध में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इस क्विज का जो भी इस साइट का जो भी लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप
सीधे ही क्लिक करके इस पे पहुंच सकते हैं, और नहीं तो आप सीधे इसरो quiz.mygov.in पे आप सर्च करेंगे तो आपको ये साइट मिल जाएगी। इस साइट पे आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके का जो साइट है इस साइट पे आपको ये निर्देश भी मिल जाएंगे, और जो भाग लेने का जो लिंक है यहाँ से सीधा आप पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करके आप भाग ले सकते हैं। तो ये जानकारी पूरी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की इंपॉर्टेंट और अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।